वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में पीएम मोदी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, सीधा आपको वही लिए चलते हैं, यूएई। या फिर हाल में COP28 का आयोजन, ये दुबई स्टोरी के बेहतरीन उदाहरण है। मैं आपको इस समिट के लिए बधाई देता हूं, इसकी सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज हम 21वीं सदी में हैं। एक तरफ दुनिया आधुनिकता की तरफ बढ़ रही है, तो पिछली सदी से चले आ रहे चैलेंजेस भी उतने ही व्यापक हो रहे हैं। फूड सिक्योरिटी हो, हेल्थ सिक्योरिटी हो, वाटर सिक्योरिटी हो, एनर्जी सिक्योरिटी हो, एजुकेशन हो, समाज को इंक्लूसिव बनाना हो, हर सरकार अपने नागरिकों के प्रति अनेक दायित्वों से बंधी हुई है। टेक्नोलॉजी हर प्रकार से, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, एक की डिसरप्टर साबित हो रही है। टेररिज्म आए दिन एक नए स्वरूप के साथ मानवता के सामने नई चुनौती लेकर आ रहे हैं। क्लाइमेट से जुड़े चैलेंजेस भी समय के साथ और बड़े होते जा रहे हैं। एक तरफ डोमेस्टिक कंसर्न्स हैं, तो दूसरी तरफ इंटरनेशनल सिस्टम्स बिखरा हुआ नजर आता है। और इन सब के बीच हर सरकार के सामने अपनी प्रासंगिकता को बचाने का भी बहुत बड़ा चैलेंज है। इन सवालों, इन चुनौतियां, इन स्थितियों के बीच वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का महत्व और बढ़ गया है। साथियों, आज हर सरकार के सामने सवाल है कि वो किस अप्रोच के साथ आगे बढ़े। मेरा मानना है, आज विश्व को ऐसी सरकारों की जरूरत है जो इंक्लूसिव हो, जो सबको साथ लेकर चले। आज विश्व को ऐसी सरकारों की जरूरत है जो स्मार्ट हो, जो टेक्नोलॉजी को बड़े बदलाव का माध्यम बनाए। आज विश्व को ऐसी सरकारों की जरूरत है जो क्लीन हो, जो करप्शन से दूर हो, जो ट्रांसपेरेंट हो। आज विश्व को ऐसी सरकारों की जरूरत है जो ग्रीन हो, जो पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों को लेकर गंभीर हो। आज विश्व को आवश्यकता है ऐसी सरकारों की जो ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ जस्टिस, ईज ऑफ मोबिलिटी, ईज ऑफ इनोवेशन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को अपनी प्राथमिकता बनाकर चले। फ्रेंड्स, हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर लगातार काम करते हुए मुझे 23 साल होने जा रहे हैं। मैंने 13 साल भारत के एक बड़े स्टेट गुजरात की सरकार में रहते हुए लोगों की सेवा की है, और अब मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट में देशवासियों की
सेवा करते हुए 10 साल होने जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि सरकार का अभाव भी नहीं होना चाहिए और सरकार का दबाव भी नहीं होना चाहिए, बल्कि मैं तो ये मानता हूं कि लोगों की जिंदगी में सरकार का दखल कम से कम हो, ये सुनिश्चित करना भी सरकार का ही काम है। Zee News.